हेलो किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि धान की फसल में आखिर यूरिया हमें कब देना चाहिए और इसके साथ में हम कौन से इंसेक्टिसाइड या हम कौन से फर्टिलाइजर, कौन सी खाद का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम अपनी धान की फसल से अच्छा विकासतुल पैदावार कैसे करके ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि आखिरी धान की फसल में आखिरी यूरिया हमें कब देना चाहिए, क्या इसकी सही डोज, उसके साथ में कौन सा सही फर्टिलाइजर प्रयोग करके, कौन सा सही इंसेक्टिसाइड प्रयोग करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और वो काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे। तो आइएगा हम शुरू करते हैं दोस्तों कि धान की फसल में आखिरी यूरिया हमें कब प्रयोग करना चाहिए, इसके साथ में कौन कौन सा टेक्निकल प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी धान की फसल 40 से 45 या जो हमारी लंबी अवधि की फसल होती है वो 50 दिन की हो जाती है, उस समय पर हमें आखिरी यूरिया का प्रयोग करना है। अगर इस समय पर हम सही समय पर यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हम अच्छा पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि यूरिया का पहली डोज और आखिरी डोज हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि इस समय पर हमने अगर कुछ ऊपर नीचे कर दिया या आपने डोज ऊपर नीचे कर दी, आपने समय पीरियड मिस कर दिया, तो आपकी पैदावार कहीं ना कहीं कम निकल करके आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, पहली डोज जितनी जरूरी होती है उससे कहीं ज्यादा जरूरी धान की फसल में आखिरी डोज यूरिया की बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक होती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी हमारे किसान भाई कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें इस समय पर इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का प्रयोग करना है। बहुत सारे हमारे किसान भाई काफी सारे अलग अलग तरीके के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, फटेला का प्रयोग करते हैं, कोराजिन का प्रयोग करते हैं कुछ हमारे किसान भाई, और बहुत सारे रीजेंट आता है उनका प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे हमारे किसान बहुत सारे टेक्निकल का प्रयोग करते हैं, काफी हमारे किसान ग्रोथ प्रमोटर का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या सही प्रयोग है, वही हम बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, आपको इतनी सारी गलती करने की जरूरत नहीं है, अपने पैसों को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय पर यूरिया के साथ में आपको कोई ज्यादा प्रयोग करना नहीं है। क्योंकि यूरिया इस समय पर हमारा जो धान होता है वो अच्छी तरीके से चल रहा होता है, और इस समय पर हम यूरिया के साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड या कोई भी अलग तरीके का जहर मिला करके देते हैं तो हमारी जमीन की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जो पावर होती है वो कम हो जाती है। हमारी आने वाले जो समय आएगा उसमें आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी धान की फसल 45 दिन की 40 से 45 या 50 दिन की होती है, तो आपको उस समय पर यूरिया का प्रयोग करना है, और उसके साथ में किसी भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करना है। आप उसके साथ में आप पोटाश का प्रयोग करिएगा। पोटाश के भी प्रयोग करने पे काफी हमारे किसान भाइयों कंफ्यूजन है, वो मार्केट में बहुत सारी तरीके की पोटाश अवेलेबल है। तो दोस्तों, आपको कोई भी पोटाश नहीं प्रयोग करना है, आपको बस MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश है उसका प्रयोग करना है। क्योंकि किसान भाई पोटाश प्रयोग करने के फायदे बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो बताया धान में पोटाश के प्रयोग क्या है, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। पोटाश से हमारा एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमारे धान की फसल में हमारे दाने को उसको चमकीला बनाने में, उसको पूरा भरने में और बाली के साइज को बढ़ाने में और हमारे जो धान की गुणवत्ता है उसको डेवलप करने में काफी ज्यादा सहायता करता है। जैसे कि हमारे जो खाना जो पड़ा होता है, हम जो देते हैं पोटाश या यूरिया देते हैं, तो हमारे जो क्लोरोफिल की मात्रा उसको बढ़ाने में, प्रोटीन का निर्माण करने में काफी ज्यादा सहायता करता है, जिससे हमारी धान की फसल है उसकी पैदावार काफी ज्यादा अच्छी निकल करके आती है। तो ध्यान रखना है कि सामने डोज की अगर हम बात करें तो डोज आपको रखना है कि जब आपकी धान की फसल 40 से 45 दिन को, तो आपको 35 से 40 किलोग्राम यूरिया लेना है, और उसके साथ में आपको MOP पोटाश म्यूरेट ऑफ जो पोटाश आती है उसको लेना है 25 किलोग्राम। आप इन दोनों को मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप यूरिया लगा दें उसके एक से दो दिन के बाद, आप बालू रेता में 25 किलोग्राम MOP पोटाश और 25 किलोग्राम बालू रेता मिक्स करके भी दे सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका है, ये मैं तरीका फॉलो कर रहा हूँ, वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यूरिया के साथ में पोटाश का प्रयोग करके आप अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो जो मैंने आपको बात बताई, जो मैंने आपको टेक्निकल बताया, इस टेक्निकल का प्रयोग करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। आपका खर्चा भी कम होगा और आपकी जो धान की पैदावार निकल करके आएगी वो पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक निकल करके आएगी। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारे युवा किसान भाई ने इस साल किसानी स्टार्ट करी है उन तक हमारी बातें पहुंच सके और वो अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मैं डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।